आज वर्ल्ड कप फाइनल में बैन स्टोक की बैटिंग के बारे थी। पिछली सारी बातें याद थी जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। जो गलती पहले हुई थी इस बार न करें, और शॉट भी तगड़े तगड़े लगाने स्टार्ट कर दिए। 50 प्लस रन पे नॉट आउट खेल रहे थे, एक तरफ से सारे विकेट गिर रहे थे, अकेले बैन स्टोक खड़े थे, और उधर से उन्होंने मैच टाई भी करा दिया। और फिर आए सुपर ओवर की बारी, जिसमें सुपर ओवर में भी सामने खड़े रहे बैन स्टोक और वर्ल्ड कप को इंग्लैंड के नाम कराया। वर्ल्ड कप फाइनल मैन ऑफ द मैच के बाद आज टेस्ट टीम के कप्तान भी बन चुके। टेस्ट में भी बेस्ट निकले स्टोक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बड़ी सीरीज होती है, उसमें भी बहुत सारे मैच इंग्लैंड को जिताया। और आज तो आज हमारी इंग्लैंड क्रिकेट में बहुत प्राउड का डे है, क्योंकि आज मैं आपको उस प्लेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने आपसे 3 साल पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल में 4 छक्के खा लिए थे। तो सबको लगा था उनका जो करियर है बिल्कुल खत्म हो गया था, पर उन्होंने 3 साल भी नहीं तगड़ी परफॉर्मेंस करके वापसी करी है कि आज वो हमारी इंग्लैंड नेशनल टीम के कैप्टन है और बेस्ट प्लेयर है। तो वो है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स की कहानी हमें क्या सिखाती कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।